चतरा में उदयमान स्वरूप भगवान भास्कर के अर्ध के साथ ही चार दिवसीय नियम निष्ठा का पर्व छठ संपन्न हो गया। उदयमान स्वरूप सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो गया। छठ घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करने के लिए सुबह से ही करीब 5 बजे से ही छठ घाटों की ओर प्रस्थान करने लगे थे। जैसे ही सूर्योदय का वक्त हुआ, भगवान भास्कर को अपनी लालिमा लिए क्षितिज पर प्रकट हुए, वैसे ही छठ व्रतियों ने श्रद्धापूर्वक अर्घ अर्पित किया। तत्पश्चात व्रतियों ने घाट पर ही सूर्य षष्ठी की कथा सुनी और आरती कर अपने अपने घर पहुंचकर पारण कर 36 घंटे का उपवास तोड़ा। इधर पर्व को सफल बनाने में आयोजन को लेकर नगर पालिका प्रशासन की ओर से सभी छठ घाटों की विद्युत व्यवस्था बहाल किया गया था। वहीं कमेटी के द्वारा भी साज सज्जा किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर SDPO अविनाश कुमार। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से छठ तालाब के पास स्टॉल लगाकर व्रतियों के बीच दूध और दूध का वितरण किया गया। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने व्रतियों को पैर धोकर आशीर्वाद लिया। इसके अलावा CRPF 190 बटालियन के द्वारा भी स्टॉल लगाकर चाय का वितरण किया गया। सभी को नमस्ते। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री उज्ज्वल कुमार चतरा नगर इकाई के छठ महापर्व में छठ तालाब पे हर साल की भांति इस साल भी विद्यार्थी परिषद द्वारा
फल एवं दूध का वितरण किया जा रहा है और जितने भी माताएं पार्वतियाँ हैं उनके पांव धोए जा रहे हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हैं। हमारे सहयोग में छात्र हित एवं समाज हित के लिए हमेशा तत्पर एवं कार्य करते जा रहे हैं।